हेलो गाइस, वेलकम टू किट्टी कलेक्शन बुटीक। आज मैं बना रही हूँ बेबी गर्ल के लिए शॉर्ट्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास होजरी में कपड़ा है और ये मैंने 4 तह में फोल्ड किया हुआ है कपड़ा। ये मैं 2.5 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ अपनी। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई नाप लूँगी, तो लंबाई रखूँगी मैं इसकी 10 इंच। तो मैंने टोटल 13 इंच की लंबाई ली हुई है। और जो इसकी कमर लूँगी वो ले रही हूँ मैं 20 इंच। और इसमें 2 इंच की जो लगाया हुआ है वो लगाया हुआ मैंने लूजिंग, तो टोटल हमारा 7 इंच हो गया। अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम लास्टिक के लिए छोड़ लेंगे, क्योंकि मैं इसमें ही फोल्ड करूँगी इसको। और इसका जो आसन है टोटल 9 इंच का रख लेंगे हम। क्योंकि 7 इंच का हमारा आसन रह जाएगा और 2 इंच ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड हो जाएगा ये। अब हमें जितना नीचे लूजिंग देनी है उतनी हम लूजिंग दे देंगे। तो ये मैं 8 इंच पूरी रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें लास्टिक डालनी है नीचे भी। अब इसको इसकी जो आसन है दोनों वो सिल लेंगे हम। दोनों साइड के आसन इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही आरामदायक शॉर्ट्स है बच्चों के लिए, जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं, आराम से पहना सकते हैं। ये मेरे पास होजरी का थोड़ा सा कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं इसी से इसको तैयार कर रही हूँ। दोनों साइड के हम आसन सिल लेंगे इसी तरह से। ये इस तरह से निकाल लेंगे और ऊपर की जो हमने 2 इंच निकाला हुआ था उसको फोल्ड कर लेंगे। ये मेरे पास 1 इंच की इलास्टिक है, तो उसी हिसाब से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह से पूरा फोल्ड कर लूँगी और थोड़ी सी जगह छोड़ दूँगी जिससे मैं इसमें इलास्टिक डाल सकूँ। ये थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ ली है इसमें, और इसमें मैं इस जो जितनी भी हमारे बच्चे की इलास्टिक एक बार नाप के देख लेते हैं, जितनी भी आएगी तो उसमें मैं इलास्टिक डाल लूँगी। इलास्टिक मेरी डल गई है और इसमें बीच में भी सिलाई लगानी होगी, जहाँ से मैंने थोड़ा सा खोला हुआ था वहाँ भी मुझे सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ से सिलाई लगा देंगे और जो इसका बीच आ रहा है वहाँ भी मैं सिलाई लगाऊंगी इस पर, ताकि हमारी इलास्टिक है जो इधर उधर ना खिसके। अब बीच से मैं इसी तरह से रखूंगी और खींचते जाएंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमारी जो इलास्टिक में बीच में मोटा मोटा सा कपड़ा रह जाता है वो ना रहे। तो इस तरह से पूरी खींच लेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरे पे।
ये सिलाई मेरी लग गई है। अब देख सकते हो बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। अब इसमें नीचे से मैं फोल्ड कर लूँगी, ये आधा आधा इंच हम फोल्ड कर लेंगे नीचे से। इस तरह से आएगा कुछ ये। जब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे, जो नीचे मेरे पास इलास्टिक वाला धागा है तो उसे ही डाल लूँगी मैं इसमें। उससे पहले मैं नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी पहले दोनों साइड से। ये पूरा हमारा दोनों साइड का फोल्ड हो गया है। अब इसमें मैं इलास्टिक वाला धागा लगाऊंगी, वो नीचे बोबिन में भरा जाएगा। तो ये है मेरा इलास्टिक वाला धागा। इस तरह से खींच खींच के भर लेंगे इसको। और नीचे बोबिन में लगा लेंगे। और तब सिलाई चलाएंगे। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ भी लगती है ऐसे सिलाई। अगर हम इसमें इलास्टिक डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अलग से चमकती है। अब ये ऐसा धागा होता है तो उससे ज़्यादा अच्छी लगती है ये। ये मैं डबल धागा चलाऊंगी इस पर। इस तरह से चलती जाएगी और अपने आप इसमें चुन्नट पड़ती जाएंगी। ये इस तरह से आ जाएगी और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से अगर हम बच्चों का शॉर्ट्स बनाते हैं, खासकर लड़कियों का। बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। ये इस तरह से डबल लगा लिया मैंने सिलाई। अब जितना हमें बच्चे की फिटिंग रखनी है उतना रखेंगे और सिलाई चला देंगे। ये मैं 5 इंच रखी हुई है, ये मैंने जो इसकी गोलाई है वो 5 इंच रखी हुई है। उसी से बच्चे का पैर आराम से आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है फिटिंग सा। अगर हम ज़्यादा लूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। इसका लुक इस तरह का आ गया है। अब देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है और थोड़ी सी देर में बनने वाला चीज़ है ये। ये मेरे पास भी पुराना ही कपड़ा पड़ा था और ज़्यादा था भी नहीं, थोड़ा सा ही कपड़ा था ये मेरे पास। और इससे भी बहुत अच्छा शॉर्ट्स बन गया है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।